गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मर्तोलिया में। आज से हमारे जोहार महोत्सव का आगाज़ हो गया है। आज 28, 29, 30 को 3 दिवसीय हमारा जोहार महोत्सव का शुरुआत आज से हो गया है। आप लोग भी ज़रूर आइएगा हमारे साथ। मैं और किट्टू भी हम जा रहे हैं झांकी में, क्योंकि आज हमने ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहना नहीं, क्योंकि हमारे पास कन्वेंस भी नहीं है, क्योंकि इसके पापा गए हैं कहीं बाहर। हम लोग कैजुअल ड्रेस में जा रहे हैं। मौका मिलेगा तो कल हम जाएंगे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ की झांकी किस तरह से निकाली जाती है और किस तरह से हमारे हमारे कौन से हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, कौन कौन से ज्वेलरीज होती है। आप लोग दोस्तों बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ मिलन केंद्र। यहाँ से झांकी स्टार्ट ही हो रही है। Thank you.
पहुंच गए हैं जौहर महोत्सव 2023। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। सो अब हम लोग झांकी पूरा कंप्लीट हो गए, मिलन केंद्र से झांकी स्टार्ट हुआ था और लहरिया होते हुए हम लोग अब MBPG ग्राउंड में हम लोग पहुंच गए, NCC ग्राउंड में हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग आप देख सकते हैं हमारे इस झांकी में दो हमारे जो उत्तराखंड के हमारे जो सीमांत जनपद है पिथौरागढ़ के खारचूला और मुनस्यारी तहसील के दोनों आप लोगों ने देखा होगा हमारे जौहर और मुनस्यार वैली, जौहर वैली, मुनस्यारी वैली और खारचूला वैली के दोनों जगह के आप लोगों ने हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस देखा और ट्रेडिशनल डांस देखा। और अभी इसके बाद हमारा ये इनॉग्रेशन होगा और सरस्वती वंदना होगी। पीछे हमारी आ रही है किट्टू ब्लॉगर। इसके बाद आप देखेंगे कि सरस्वती वंदना होगा और फिर शाम को यहाँ का सारा प्रोग्राम जो है इवनिंग से यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। सो आप लोग बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं ग्राउंड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोस्तों अब मैं जौहर महोत्सव अटेंड करके अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है और मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय।